ओके, तो SHM का मतलब, SHM का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं, सुपर हिट मुकाबला, ठीक है, सुपरहिट मुकाबला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रभु देवा वाला था ना ये गाना, याद है, मुकाबला, ये वही है, सुपरहिट मुकाबला, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हार्मोनिक वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? हार्मोनिक जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है पीरियोडिक, ठीक है। हार्मोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रही होगी, याद होगा, है ना, तुम तो नर्सरी में पढ़ ली होगी ये सब। अरे नहीं, हमको लगता है तुम पैदा होने से पहले भी पढ़ ली होगी, बिकॉज यू आर सो मच टैलेंटेड। अरे मम्मी जब पढ़ रही होंगी ना, तभी तुम पढ़ ली होगी शायद। जैसे अभिमन्यु, अभिमन्यु नहीं था, मम्मी के पेट में से सीख लिया था चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, राइट। तो पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन का मतलब ऐसा मोशन है ना, जो बार 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 रिपीट किया जाता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है ना, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। जैसे कि अर्थ का मूवमेंट है ना, बार बार एक 24 घंटे में एक ही मोशन को दोहराया जाता है ना, या 365 डेज पर, या फैन के ब्लेड का मोशन होता है, एक ही चीज को बार 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 रिपीट किए जा रहे हैं, है कि नहीं। या कोई एक बंदा है, डेली सुबह उठेगा, तैयार होगा, ऑफिस जाएगा, फिर शाम को आएगा, फिर खा पी के सो जाएगा, फिर अगले दिन वही रूटीन, है कि नहीं, वीकेंड छोड़ के। तो ये चीज भी क्या है? पीरियोडिक मोशन ही है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? रिपीटिशन होता है, ठीक है ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करना है, ठीक है। तो पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन का मतलब बहुत ये होता है, इफ ए पार्टिकल इज रिपीटिंग मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन है ना, एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन ही होता है, जिसमें पार्टिकल एक ही पॉइंट के आगे जाएगा और फिर पीछे जाए, तो टू एंड फ्रो करते रहता है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम है ना, या कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है।
इसको ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो दैट पीरियोडिक मोशन in which a particle moves to and fro या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ। पीरियोडिक मोशन जो है उसमें क्या चाहिए, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए, और ऑसिलेशन को भी अगर पीरियोडिक बनाना है तो उसको भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा तभी संभव है जब पार्टिकल का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये दोनों चीजें संभव कब है, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट। अगर एनर्जी बदल रहा होगा तो भाई टाइम पीरियड बदलने लगेगा, ठीक है ना। हाँ, पीरियोडिक करवाना पड़ेगा तो इसके लिए एनर्जी कॉन्स्ट बिल्कुल करते, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसी में जो है वो कांस्टेंट एनर्जी रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट एनर्जी रहेगा, तब उसका जो टाइम पीरियड है ना वो बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा, सेव रहेगा। और यहाँ भी पीरियोडिक मोशन अगर पीरियोडिक है, एकदम प्योर अच्छे से पीरियोडिक है, इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा ना उस चीज के पास एनर्जी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे पंखा थोड़ा समय के बाद, दो चार पाँच सेकेंड के बाद कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमने लगता है ना, तो उस समय जो उसका मोशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़िया वाला 100% पीरियोडिक, ठीक है। चलो ये बताओ, ऑसिलेशन का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं ना, सिंपल पेंडुलम, और पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल भी ये हो सकता है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हो सकता है ना, उसको स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं, ये बहुत आसान है, देखो समझ जाओगे तुरंत। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, एक पार्टिकल है, इसको ऐसे खींच के छोड़ देंगे ये आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट नहीं करने लगेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम जो है वो ये है, यहाँ है, इसको क्या करो, एक साइड लेके आ जाओ इधर, ठीक है, उसके बाद छोड़, ये क्या करेगा, बीच में जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न आएगा, और ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा लगातार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम। एक झूला जो होता है स्विंग, वो भी तो इसी प्रकार से काम करता है ना, है कि नहीं, तुम सुनिए, ये एक है सावन के झूलों में, याद है, कोई बात नहीं, पुराने जमाने की बात है।
ये सब एग्जाम्पल हो सकता है और करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है, ये दो सिंपल एग्जाम्पल है जो तुरंत समझ जाओगी, ठीक है ना। तो ऐसा केमिस्ट्री में कुछ है, ठीक है ना, मैंने सुना तो है। ओर्स कुछ होता है क्या, मेटलर्जी में ओर्स होता है, एक होता है मिनरल्स। तो ऐसा एक चीज पढ़ने के लिए पढ़ते थे, हमको याद है आई थिंक 7, 8, 9, 10 में केमिस्ट्री में होता था कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, याद है। ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। बताओ तो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब है। हाँ, जैसे मान लो ना कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पीरियोडिक तो होगा ना, बट वो ऑसिलेशन होगा क्या। कोई एक स्कूल बॉय गर्ल या ऑफिस बॉय या गर्ल, उनका भी डेली का जो एक्टिविटी होता है वीकली मंथली, दैट इज आल्सो पीरियोडिक बट दैट इज नॉट ऑसिलेशन, है कि नहीं। तो वही बताया है कि ऑसिलेशन तो पीरियोडिक होगा बट पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होगा उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया जाए। अब जो ऑसिलेशन होता है ना, ऑसिलेशन वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक जिसको हम बोलेंगे सिंपल ऑसिलेशंस, ठीक ना, और एक वो जो सिंपल ना हो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन, ठीक है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है सिंपल ऑसिलेशंस में, ठीक है ना। तो अब हमें ये जानना समझना पड़ेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक कथा है, कथा पता है, कहानी, इसके पीछे का कहानी ये है कि एक फोर्स चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, फोर्स, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है रीस्टोरिंग फोर्स किस प्रकार का फोर्स हो सकता है, जो रीस्टोर करता है, जो क्या करता है, रीस्टोर करता है, ठीक है ना। तो एक फोर्स ये हो सकता है जिसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये क्या कर सकता है, डिफॉर्म करने का मतलब होता है कि शेप एंड साइज या पोजीशन इन सबको बदलने वाला है ना। तो ये क्या करता है, इट चेंजेस शेप साइज या पोजीशन, बदल देता है ये, ठीक है। और
इसको एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। ये कैसा फोर्स रहता है जिसको बाहर से लगाने का जरूरत है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग में फोर्स लगा के स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिए या कंप्रेस कर दिए, तो बाहर से जो फोर्स लगा है वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक। अब जैसे स्प्रिंग को तुम दबा के छोड़ दो तो स्प्रिंग अपने शेप को रिगेन कर लेता है ना, बोलो। तो उसके लिए स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप कर जाता है, इंटरनल फोर्स, उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स जो रहता है ना वो इंटरनल फोर्स रहता है। ये साइड में मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब लिख लेना पूरा इंटरनल है और ये क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करता है, जब शेप एंड साइज चेंज हो जाता है ना या पोजीशन, तो उसको वापस रीस्टोर या रीगेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन रीगेनिंग या रीस्टोर ऑफ शेप साइज या पोजीशन, ठीक है, हो गया। तो बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को बोलते हैं जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो रहेगा ना, हाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। इस वाले में बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मैं देखो इसका मतलब समझाता हूं, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़े हैं, स्प्रिंग फोर्स होता है केक्स, और याद होगा यहां पर एक माइनस साइन पढ़ाया जाता है, ये डायरेक्शन के लिए रहता था। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, इसमें है नेचुरल लेंथ, मतलब इसमें कोई इलोंगेशन या कोई कंप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी x का वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसी को हम मीन पॉइंट बोलते हैं या मिड पॉइंट भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। इसी वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। और मीन पोजीशन क्या रहता है, फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो
एक बाहर से फोर्स लगाओ और स्प्रिंग को इलांगेट कर दो, लुक कर लो, दिख रहा है क्या स्प्रिंग को इलांगेट किया गया है? तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ऐसी बात है कि स्प्रिंग में भी एक फोर्स डेवलप कर गया होगा इस स्प्रिंग के अंदर, और वो कहां लगता होगा? पीछे की तरफ लगता होगा, लगता होगा, ध्यान देना। ये हो गया फोर्स ऑफ स्प्रिंग, एसपी लिख दिया हूं, ठीक है ना, पीछे लग रहा होगा, ठीक है। और जो कि इसको वापस लेके कहां देगा, बीच में आ जाएगा ना। तो जब बीच में आएगा तो उसके बाद तो रुकेगा नहीं, रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ मोमेंटम रहता है, ठीक ना। तो वहां पे ना रुकता नहीं है, वो चलते चलते पीछे आ जाता है। जब पीछे आ जाएगा तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव। अब फोर्स जो है स्प्रिंग में जो लगने लगेगा वो फिर कहां लगने लगेगा, इधर लगने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब राइट में गए तो फोर्स कहां लग रहा, लेफ्ट में, यानी इस रेड लाइन के अलोंग, रेड नहीं पिंक, पिंक ना। और जब लेफ्ट में गया तो फिर से फोर्स इसी लाइन के अलोंग लग रहा है। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो राइट में जाते हैं तो लेफ्ट में लगता है, लेफ्ट में जाते हैं तो राइट में लगता है। तो हमेशा इसी पॉइंट के अबाउट लगते रहता है फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग होता है। क्या रीस्टोर करता है, स्प्रिंग के लेंथ को रीस्टोर करता है, ठीक है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भाई वो क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ये फोर्स जो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होता है ना। अब माइनस साइन क्या बताता है कि अगर एक्स राइट में है तो फोर्स कहां होगा, लेफ्ट में। एक्स लेफ्ट में होगा तो फोर्स कहां हो जाएगा, राइट में। तो यही था एसएचएम का एक सिंपल सा एग्जांपल। और भी एग्जांपल थे, करोड़ों एग्जांपल है, जितना पढ़ना है सब धीरे धीरे हम बता देंगे, ठीक है। और इसको लिख लो, नोट कर लो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ गए ना, ठीक है। कुछ और भी बात है इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेने में फायदा है, ठीक है। कि जो एसएचएम होता है ना, उसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन वगैरह हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पता है ना, फ्रीक्वेंसी पता होगा, हाँ, एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम पीरियड भी पता होगा, हाँ, एम्पलीट्यूड भी पता होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन, ये जितना क्वांटिटी रखते हैं ना ये सब कॉन्स्टेंट रहेगा, ऑल आर कॉन्स्टेंट। ये एसएचएम में होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ वही कर रहा हूँ। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड सब क्या रहता है जी, कॉन्स्टेंट रहता है। और दूसरा सबसे जरूरी बात, एसएचएम का जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे कुछ देर बाद, तो उसमें सारा जो उसका मोशन होगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब कुछ एक सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन फंक्शन में आता है,
ठीक है, तो एस एच एम इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन। इसको हम लोग एक सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे, ठीक है, नोट करियो जरा। अभी हम कुछ डेफिनेशंस बता देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है ना, सुपरहिट मुकाबला, ठीक है। तो एक टॉपिक था क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है पता है, बहुत सारा सिंबल होता है, जैसे छोटा वाला एफ भी होता है या छोटा वाला एन भी होता है, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको न्यू पढ़ेंगे हम, न्यू, ठीक है ना, एन यू न्यू, ठीक है। तो ये सब सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का, जो इच्छा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक सेकंड में कोई कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर सकता है। एक ऑसिलेशन का मतलब पता है क्या है, एक ऑसिलेशन का मतलब बोलो। पहले हम एक ऑसिलेशन ही बता देते हैं, टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब हो सकता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। जरा इसको समझते हैं, ये वन ऑसिलेशन नाम का क्या चीज होता है भाई। जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये यहां पर है, तो इसको बोलेंगे इसका मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेस कर देंगे तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोलेंगे इसे हम, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो बीच में कहां पे था वो, एक्स बराबर जीरो पे था, ठीक है, और यहां पर जब आ गया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, राइट एक्सट्रीम, ठीक है। ऐसे इधर भी एक क्या होता होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम होता होगा, होगा ना, तो पार्टिकल जब बीच में से कहां गया, राइट एक्सट्रीम, फिर लौट के इसको आना पड़ेगा राइट एक्सट्रीम से कहां, बीच में, फिर बीच से कहां जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम, और फिर लौट के कहां आएगा, बीच में। इतना जब काम करेगा ना, तब ये कहलाएगा कि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, समझी। बीच में से किनारे जाएगा, फिर किनारे से बीच में, फिर लेफ्ट वाले,
एंड पे जाएगा फिर बीच में आएगा। इतना काम करने के बाद समझा जाएगा कि एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। देखो नीचे बना दे रहा हूं दोबारा से, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर इधर गया और फिर ऐसे आया, तो इस तरीके से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। स्प्रिंग ब्लॉक के हेल्प से भी बता सकता हूं, देखो देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू जीरो, इसको क्या माने x इक्वल टू प्लस से राइट एक्सट्रीम, इसको मान लेना x इक्वल टू माइनस से लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। तो पहले कहाँ गया, देखो राइट में, फिर लौट के कहाँ आया बीच में, फिर गया लेफ्ट में, फिर कहाँ गया बीच में। तो इस तरीके से जो चल रहा है तो वापस बीच में आना दोनों एक्सट्रीम से होके, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर गया। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लिया इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे गया, तो एक पूरा टाइम पीरियड हुआ ना। तो बीच में से किनारे जाने में या किनारे से बीच में आने में या फिर बीच में से लेफ्ट वाले एंड पे या लेफ्ट वाले एंड से बीच में जाने में हर बार जो टाइम लगता है ना, वो पता है कितना टाइम लगता है, t by 4 और अगेन t by 4। इसको चारों बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, t मिलेगा। ऐसे यहां भी समझो, यहां से यहां गए तो कितना समय लगेगा, t by 4। यहां से फिर बीच में आ तब भी कितना लगेगा, t by 4। बीच में से फिर इस किनारे पे आ गए, बीच में से इधर किनारे आ गए तब भी कितना समय लगेगा, t by 4। अब फिर लौट के बीच में आ गए तब भी कितना लगेगा, t by 4। तो t by 4 को 4 टाइम्स ऐड कर लो तो क्या मिलेगा तुम्हें, t मिलेगा, ठीक है। तो ये है टाइम पीरियड, ठीक है, नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो बताई दी थी तुम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यह ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन।
ऑसिलेशंस की जगह पे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो याद है रोटेशन भी आता था, याद होगा, या रिवोल्यूशन भी आता था, या साइकिल भी रहता है, साइकिल साइकिल भी रहता है ना। हाँ, तो इसमें से कुछ भी नाम दे देगा, समझ जाना, रोटेशन रेवोल्यूशन साइकिल या ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका यूनिट होता है क्या, सेकंड का पावर माइनस वन, जिसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, पता होगा। ठीक है ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में हम ये पढ़ाए होंगे, याद है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और ये भी तुम्हें याद होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यहां से ये भी आ जाएगा 2π/T, ठीक है ना। और ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नोट कर लो। कुछ जगह बच रहा है, इधर भी कुछ लिख ले क्या, लिखिए लेते हैं। एक डिफिनेशन ये भी था ना एम्पलीट्यूड वाला, भी लिख ही देते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन याद है ना, मेन पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो ये सब डेफिनेशंस है, नोट कर दो। देखो बच्चे, ये बैकग्राउंड को हटाते हैं, बहुत बेकार लग रहा है, लग रहा है ना, जा ये क्या हो गया, शिट ये क्या हो गया, अरे मेरा बोर्ड स्कैम हो गया रे, हैक हो गया रे, पता नहीं क्या हो रहा है, जब समझ लो उसके बाद लिखना। तो मैं क्या लिखा हूं, SHM एज द प्रोजेक्शन ऑफ UCM, मतलब UCM मतलब, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि हम लोग करोड़ों बार पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है कि जो लीनियर स्पीड जो होता है और जो एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये कांस्टेंट रहता है ना, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट दिख रहा है ना, ओमेगा इक्वल टू θ/T, ठीक है। अब जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से गौर से समझना। ये पिंकी पिंकी दिख रहा है कुछ, ओके, हाय, ये ठीक है, ये ठीक है, भगवान तंग तंग कर दिए तुम, ओ माय गॉड, ले ए भगवान, क्या देखना पड़ रहा है, ब्लू है ये तो पता नहीं क्या, ये क्या है रुपा, ब्लू, ए भगवान, अरे तुम क्या है, परेशान कर रही है उनको, ये क्या है, ये क्या, अब तंग मत करो, ठीक है ना, बच्चा सब देखेगा ऑनलाइन तो बहुत गली आएगा, कुछ ही कर रहे हैं सर। चलो आगे देखो, तो बाबू ये तो समझ गए ना, चलो अच्छा तो दिख रहा है,
तो इधर जो है ना इमेजिन कर लो एक्स एक्सिस कर सकते हैं और इधर का इमेजिन कर लो वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक पार्टिकल जो है ना वो इस ग्रीन वाले सर्कल पे चल रहा होगा, समझना। पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ग्रीन वाले सर्कल पे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, समझ जाओ, चल रहा होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, इस जगह से स्टार्ट किया, ठीक है, टी बराबर जीरो पे यहाँ पे था वो, तो टी बराबर जीरो पे जब ये यहाँ पे था तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है ए कॉमा जीरो। ए क्या है, ए बेसिकली रेडियस लिया हुआ है, ए क्या लिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ठीक है। अब ये चलते चलते सपोज किसी एक समय टी पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ इसको पहुँचा दिए, ठीक है, प्रोजेक्शन। अब ये तुम्हें प्रोजेक्शन का मतलब पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन याद है वेक्टर में पढ़ना था, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये इसका रेडियस है ए, ठीक है ना, इसका दो को कंपोनेंट होगा एक्स में और एक वाई में होगा ना, ठीक है। तो हम ये कंपोनेंट शो कर देते हैं, ये दूसरा कलर से करना ही पड़ेगा ताकि वो दिखना चाहिए, तो है ना, मेरा फेवरेट कलर येलो, एक्चुअली फेवरेट नहीं है वो, दिखता ज्यादा अच्छे से है इसलिए, ठीक है ना। तो ओ माय गॉड, ठीक है। तो देखो ना ये जो रेडियस है इसका दो वो कंपोनेंट आएंगे एक्स में और एक वाई में, मैं फिलहाल वाई वाले को देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ वाई वाले को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना और ये जो पॉइंट, इसको ओरिजिन कह लेते हैं और इसको कुछ भी मान लो, चलो जैसे एम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एम पॉइंट क्या है, ये जो पार्टिकल चल रहा है ना उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पार्टिकल का, चलो नाम पी मान लेते हैं। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे चल रहा है आगे, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो बताओ ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो भी आगे बढ़ेगा क्या, बताओ। जैसे जैसे ये पॉइंट भी जैसे यहां पे होगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर होगा, और अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे पॉइंट पी आगे मूव करते जाएगा तो इसका जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये पॉइंट एम, ये भी धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ चलते जाएगा, चलते चलते आखिर में कहां पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे जब पहुंच जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जीरो कॉमा ए, ठीक है। अब जब पार्टिकल इसके आगे चलेगा, इधर चलने लगेगा जब पार्टिकल, ठीक है, तो इसका पॉइंट एम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस से नीचे जाने लगेगा क्या, ठीक है। अब वही पार्टिकल जब इधर मूव करेगा यहां पे तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट एम दिख रहा है वो अब नीचे की तरफ चलने लगेगा, निगेटिव साइड में चले लगेगा, और जाते जाते बहुत तो बहुत कहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, जीरो कॉमा माइनस ए तक। और जब यही पार्टिकल पी चलते चलते फोर्थ क्वाड्रेंट में चलने लगेगा तब क्या होगा कि ये जो पॉइंट एम है वापस से नीचे की तरफ ओ की तरफ जाने लगेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट एम पहले ऐसे ऊपर गया फिर बीच में आया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, ऐसे कर रहा है क्या पॉइंट एम, तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि ऑसिलेशन कर रहा है ना। और अगर इसको हम साइन या कोसाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो यही फिर क्या दिखाने लगेगा, एस एच एम, बोलो। तो ये जो ओ एम दिख रहा है ना हमें, ओ एम दिख रहा है, इस ओ एम को हम लोग वाई मान लेते हैं, ओ एम को क्या मान लेते हैं वाई मान सकते हैं ना।
तो ये वाई ही जो है ये प्रोजेक्शन है, ये वाई क्या है प्रोजेक्शन है, वैसे ही एक्स भी प्रोजेक्शन है। तो अभी हम एक्स का बात नहीं करने वाले, बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, वाई का। अब किसी समय टी पर ये एंगल क्या है थीटा, तो देखो तो थीटा इक्वल टू उधर से ओमेगा टी हो जाएगा क्या, बोलो बच्चे। साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर मान लो ये वैल्यू क्या है एन है, तो पी एन का वैल्यू क्या है वाई, या ओ एम का वैल्यू क्या है वाई है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे वाई बाई ए, तो वाई बराबर क्या आ गया ए साइन थीटा। थीटा जो है वो क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी है ना। तो यही आ गया इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है। वेलोसिटी अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, वेलोसिटी मतलब लीनियर वाला वेलोसिटी, जैसे अगर ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो सकता है ना, नहीं आर ओमेगा नहीं, ये जो पार्टिकल चल रहा है ना इसका वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट एम जो चल रहा है ना इसका वेलोसिटी चाहिए, इसका वेलोसिटी तो आर ओमेगा होगा, वो नहीं चाहिए हमको, इस पॉइंट एम का वेलोसिटी चाहिए, ये एस एच एम कर रहा है ना। तो इसका वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे डी वाई बाय ए, यहां करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन। ये जो इक्वेशन निकाला है ना ये तो बहुत सिंपल में निकाल दिए, इसी को अगर कैलकुलस से बताते तो बहुत लंबा चला जाता, ये बहुत सिंपल में बता दिए हैं कैसे, अगर हम क्या ले लें ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ले लें, ठीक है। एनसीईआरटी में यही पढ़ना है, दूसरा वाला जेई के लिए है, ठीक है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करने आता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो कुछ होगा नहीं, ये रहेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का कॉस ओमेगा टी होगा, और कॉस ओमेगा टी के अंदर जो ओमेगा टी है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, वो कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू वन, बोलो ये है ना जानकारी। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। तो यहां से ये देखो इस ओमेगा को आगे लिख सकते हैं क्या, उठा के ऐसे, तो ये आ जाएगा क्या वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है क्या, ठीक है। ये बताओ जी मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर। अब ये सोचो यहां से कि साइन ओमेगा टी है कितना, वाई वाई है क्या, इसको यहां पे पुट कर सकते हैं क्या हम, बोलो। तो लुक कर दे रहा हूं पुट, यहां पुट करूंगा तो ये आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बाई ए आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में ए आएगा ना, और ए से कट भी जाएगा इसलिए इसको गायब कर दे रहे हैं। तो ये देखो फार्मूला आ गया वेलोसिटी का, दो को फार्मूला है ध्यान रखना, ये फार्मूला भी वेलोसिटी का है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, और ये फार्मूला भी वेलोसिटी का है, दोनों में अंतर क्या, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है,
और ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अच्छा, यदि एक्सेलरेशन जानने का इच्छा रहे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो उस तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। चलो इतना नोट करो, है ना।